व्हाट इज ऑटोमेशन? तो बताइए डियर फ्रेंड्स, ऑटोमेशन क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऑटोमेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स टू एग्जीक्यूट टास्क और प्रोसेसेस विदाउट सिग्निफिकेंट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, एमिंग टू एनहेंस एफिशिएंसी, रिड्यूस एरर्स एंड ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज एंड डोमेन्स। कुछ समझ में आया क्या? ये तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो चलो सिंपल वर्ड में समझते हैं कि ऑटोमेशन क्या होता है। तो जब इंसान अपने काम को मशीन को दे देता है और खुद हो जाता है काम चोर, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। मतलब इंसान क्या कर रहा है, अपना काम भी मशीन को दे दे रहा है, भाई मेरा काम भी तू ही कर दे, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो जब मशीन काम करने लगती है, सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो यहाँ पे जब मशीन काम कर रही है तो उनको ना सुसुबुटी लगेगी, ना उनका ब्रेकअप होगा, तो ना उनका मूड ख़राब होगा, तो वो फुल एफिशिएंसी के साथ में काम करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे एरर भी कम होगी। तो फ्रेंड्स, जब एरर कम हो जाएगा तो प्लांट के सभी ऑपरेशंस अच्छे से होंगे, जिससे प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और इंडस्ट्री फास्ट ग्रो करेगी और हो जाएगी मालामाल। तो अब पता चला कि क्यों इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ग्रो करती जा रही है और मैक्सिमम इंडस्ट्री इसे अपना रही है। तो आइए जानते हैं कैसे सिस्टम ऑटोमेशन पर काम करता है। तो जब इंसान का काम मशीन कर रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए चाहिए कंट्रोलर, और वो कोई भी कंट्रोलर हो सकता है, जैसे PLC, DCS या कोई और कंट्रोलर, और उसके डेटा को मॉनिटर करने के लिए चाहिए स्काडा सिस्टम। तो चलिए सीखते हैं ये PLC स्काडा सिस्टम क्या होता है और कैसे इसकी प्रोग्रामिंग होती है बिल्कुल आसान तरीके से। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।